Hello everyone, this is Kulip Deka back to you again from Smartway Guwahati. Hokoluke holier mur phalopra bahut bahut shubhakamona. And what we are going to do is today current affairs for the whole month of February. This is very very important from any exam point of view. Aap ek peon ki naukri se leke ek IAS officer ki naukri tak aapko current affairs ki zarurat ya fir kimmat aapko pata hai shayad. ठीक है, तो इस करंट अफेयर्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे अलग अलग सेक्शंस एंड सब डिविजन्स. विल स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स, उसके बाद विल गो फॉर द अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसके बाद विल गो फॉर द डिफेंस, उसके बाद विल गो फॉर द समिट, उसके बाद विल गो फॉर द पर्सन इन न्यूज, उसके बाद विल गो फॉर द इंपॉर्टेंट डेज एंड एवरीथिंग. ठीक है, हम लोग इसमें सभी डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब जो फिर स्पेशली एपीएससी के लिए भी डिजाइन किया गया है. एपीएससी के लिए मैं स्पेशली बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि वीडियो के एंड में आप जरूर बने रहेगा. एंड में आप लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए आपके पास इस महीने या फिर जो गया हुआ महीने है फरवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आपने सुने या फिर आपको जानने को मिलेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम. दिस इज ऑन करंट अफेयर्स, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे दिस फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स. आप लोग का कुछ भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो आप जरूर मुझे फेसबुक में भी आप मुझे सर्च कर सकते हो विद द नेम ऑफ कुलदीप देका. मेरा फेसबुक का जो पेज है दिस इज स्मार्ट वे डायनेमिक क्लासेस, और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ. अगर इफ इनकेस आपका कुछ भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो आप मुझे जरूर उसमें मेल या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन में ये है आपके पास कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020. ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको रिसेंटली हुआ था उड़ीसा पे, तो उसमें बस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया 2020 का जो गेम था यूनिवर्सिटी का, तो ये जीता किसने था. तो ये है आपके पास सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी. तो सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने आपके पास जीता हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020. साइड बाय साइड आपको दो चीज़ और बता दूँ, आपको शायद इसमें दिख रहे होंगे डिस्प्ले में, कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड आया था इसी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये जो है हमारे पास थर्ड आया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का. लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 100 मैचेस खेला है तीनों ही फॉर्मेट ऑफ द गेम पे, मतलब ODI पे, 2020 पे एंड टेस्ट मैच पे. तो अनडाउटेडली द आंसर आपको जो दिख रहा होगा दिस इज रॉस टेलर. ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड. इन्होंने ये कृतित्व या फिर ये क्रेडिट उन्होंने हासिल किया था 21 फरवरी के दिन ही, जिस दिन उन्होंने खेला हुआ था इंडिया के साथ. ठीक है, तो द आंसर वुड बी रॉस टेलर हु हैव प्लेड 100 मैचेस इन ऑल द थ्री फॉर्मेट ऑफ द गेम. तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको हाल ही में पता हुआ शायद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 हुआ था, जिसका वेन्यू आपको दिख रहा है कि न्यू दिल्ली पे था. तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि आपके पास हमारे भारत की तरफ से एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में किन लोगों ने पदक लेके आया हुआ था. तो गोल्ड पे दो है आपको सुनील कुमार और दिव्या काकरन दिख रहा होगा, और सिल्वर पे आपके पास जितेंद्र है. साइड बाय साइड आपको नोट में मैं ये भी बता दूँ, जो दिव्या काकरन है सी इज़ ऑल्सो द सेकेंड फीमेल इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन रेसलिंग फ्रॉम इंडिया एक्चुअली, जिन्होंने ये मेडल जीता हुआ है. ठीक है, तो गोल्ड जीतने वाली ये एक्चुअली दूसरी महिला है. इससे पहले नवजोत कौर ने भी जीता हुआ था, और ये दिव्या काकरन जो है हमारी महिला सेकंड रहेंगी जिन्होंने ये मेडल जीता हुआ है. तो आपको जानना है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के दोनों के बारे में, दिव्या काकरन और सुनील कुमार जो हमारे भारत में गोल्ड लेके आया हुआ था. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है खेलो इंडिया की विंटर गेम्स 2020 के बारे में. तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, खेलो इंडिया के विंटर गेम्स होने वाले, हुआ नहीं अभी तक. तो बस मैं आपको वेन्यू ही पूछ रहा हूँ, तो वेन्यू आपको पूछा जाए तो इसमें आंसर होगा लद्दाख. ठीक है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज तक हुआ नहीं है. खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार पहली बार होने वाला है, जो कि होंगे लद्दाख में. आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा और फैक्ट बता दूँ, खेलो इंडिया का आपके पास तीसरा एडिशन जो है ये गुवाहाटी में ही हुआ था इसी साल के अंदर. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में मैंने आपको विनर बता दिया, जो आपके पास सावित्री फुले यूनिवर्सिटी था, और आपके पास अभी जो दिख रहा है आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 जो आपका नवंबर के महीने पे होने वाला है. बस आपको फिलहाल के लिए वेन्यू से याद रखना पड़ेगा, वेन्यू इज लद्दाख. उसके बाद ओलंपिक 2020 होने वाला आपको टोक्यो जापान पे, तो उसका मोटो या फिर थीम भी आ गया है. तो इस थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स. तो स्पोर्ट्स की तरफ से ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटो क्या होंगे ओलंपिक 2020 की थीम का, सॉरी ओलंपिक 2020 की गेम का. तो मोटो इज़ एक्चुअली यूनाइटेड बाय इमोशंस. इसको भी आप जरूर जान लीजिएगा कि मोटो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये है कि
कौन सा कंट्री जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 को होस्ट करने वाला है? व्हिच कंट्री टू होस्ट जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? इसका इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है, जिस भी फैक्टर में इंडिया का नाम आता है एक्चुअली दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम आपको इंडिया का नाम दिख रहा है, 2021 के जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये हमारा इंडिया होस्ट करने वाला है, तो इसका भी आपको लिख लेना चाहिए नोटबुक पे। तो आइए फिर चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनको 4 साल की बैन लगा हुआ है फ्रॉम द नाडा? नाडा क्या होता है? एक्चुअली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो हमारे प्लेयर्स जो भी ड्रग एडिक्ट होंगे खेल में या फिर जो भी ड्रग्स लेके खेल में जाते होंगे ऐसे प्लेयर को वो लोग बैन कर देता है या फिर आगे वो लोग फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने नहीं देते। तो नाडा ने बैन किया है 4 साल के लिए हमारे एक प्लेयर अमित दाहिया। ठीक है, अमित दाहिया जो है ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर है एक्चुअली, तो इनको 4 साल की बैन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ डोपिंग एंड और ड्रग रिलेटेड इशूज। तो नाडा ने इसको बैन करा है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको नीचे दिख रहा होगा। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंट्री AIBA वर्ल्ड कप 2020 होस्ट करने वाला है? तो इसी साल की AIBA वर्ल्ड कप, AIBA क्या होता है एक्चुअली? ऑल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो बॉक्सिंग का सबसे बड़ा खेल होता है ये, तो ये होस्टिंग करने वाला है इस साल को रशिया। इसका मोटो और थीम जो है ये बॉक्सिंग फॉर पीस रहेंगे। बॉक्सिंग फॉर पीस इसलिए एक्चुअली क्योंकि ये आपके पास 1945 का जो आपके पास ये वर्ल्ड वॉर टू था उसके बाद 2020 तक अगर आप साल का डिफरेंसेस देख सकते हो तो ये 75 ऑफ ईयर्स होता है एक्चुअली आपके पास वर्ल्ड वॉर टू का। तो इसलिए एक्चुअली रशिया वाले इसी के खातिर में उन्होंने मोटो भी रखा हुआ है बॉक्सिंग फॉर पीस। अच्छा, साइड बाय साइड आपको कुछ फैक्टें बताया तो मैं, AIBA का जो हेडक्वार्टर लॉसेंस स्विट्जरलैंड पे है और प्रेसिडेंट इसका फिलहाल गाफूर रकीमोव है। ठीक है, तो फिलहाल आपको जानना ये पड़े कि AIBA का वर्ल्ड कप 2020 में कौन होस्ट करने वाला है। द आंसर इज रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय ESPN ऑन 20th February 2020। तो ESPN एक बहुत ही उमदा चैनल है स्पोर्ट्स के रेस्पेक्ट में, वो दिखाते हैं। और साइड बाय साइड आपके पास फैक्ट ये बता रहे हैं वो कि फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में इस साल में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला हुआ है? तो बोथ ऑफ देम आर इंडियन एक्चुअली। पीवी सिंधु वन ऑफ द प्लेयर हु इज अनडाउटेडली अ ज्वेल ऑफ इंडिया एक्चुअली। पीवी सिंधु ने ये अवार्ड को लगातार 3 साल के लिए जीता हुआ है, आपको नीचे उसमें मैंने नोट पे लिख भी दिया है। और सौरभ चौधरी जो शूटर है हमारे इंडिया का एंड ही हैव ओन इन द मेंस कैटेगरी। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय ESPN के बारे में बोले तभी आंसर होंगे पीवी सिंधु या फिर मेल कैटेगरी में सौरभ चौधरी। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्पोर्ट्स में ये है कि ऐसा कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसने अभी रिसेंटली ही फरवरी 2020 में रिटायरमेंट का घोषणा किया हुआ है? तो आंसर इज प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा अभी फिलहाल 33 इयर्स का एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेला हुआ था 2009 से लेके 2013 तक। ठीक है, और उन्होंने भी अपना लास्ट मैच उसी दिन को खेला हुआ था जिस दिन सचिन ने अपना लास्ट मैच खेला हुआ था। तो इफ इन केस आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सा इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैव ऑल्सो प्लेड द लास्ट मैच विथ सचिन, देन दिस इज प्रज्ञान ओझा। ही यूज टू बी अ बॉलर फॉर द इंडियन टीम। देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विद द क्राउड होल्डिंग कैपेसिटी। इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम विद द क्राउड होल्डिंग कैपेसिटी वॉज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़ के इस बार एक भारतीय स्टेडियम हैज़ बिकम द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट स्टेडियम। तो दिस इज मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम जो है आपके पास अहमदाबाद में मिलेंगे, जिसका पहला नाम सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था। तो अभी रिनोवेशन होने के बाद इनका नाम हो गया है मोटेरा स्टेडियम, जिनका क्राउड कैपेसिटी अभी हो सकता है शायद 1.1 लाख के आसपास, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में 50 एकड़ जमीन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स इज कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपए का घोषणा किया हुआ है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे गोल्ड मेडल लेके आएंगे ओलंपिक गेम्स में? तो दिस इज हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। आपको रिसेंट न्यूज़ में ये भी पता चले होंगे असम बजट में कि हमारे असम गवर्नमेंट ने भी जो भी ओलंपिक या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीत के आएंगे तो दैट पर्सन विल बी गिवन 1 करोड़ रुपीज़। बट क्वेश्चन इज फिलहाल फ्रॉम द फेब्रुअरी कि 6 करोड़ रुपए किसको देने वाले ओलंपिक गेम्स में जीत के आएंगे गोल्ड मेडल? तो दिस विल बी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स इज कि बहुत ही बड़ा एक अवार्ड है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट अवार्ड इन टर्म्स ऑफ हॉकी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉडी।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? दिस इज मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है फिलहाल आपके पास कैप्टन है इंडियन मैंस टीम का। इससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन और बताया हुआ था कि ESPN की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में बोले तो PV सिंधु रहेंगे आंसर, और मेल कैटेगरी में बोले तो सौरभ चौधरी रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से अगर पूछे कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहता है तो डैट विल बी मनप्रीत सिंह। उसके बाद नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में बोल रहे हैं। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो है हाल ही में हो चला गया था आपके पास फरवरी के महीने में, तो इसमें दो विनर है, एक मैन की तरफ से एक वुमेन की तरफ से। मैन में आपको दिख रहा है कि आदित्य मेहता इज़ द विनर, जिन्होंने आपके पास पंकज अडवाणी को हराया हुआ था, और विद्या पिल्लई जो है ये आपके पास वुमेन कैटेगरी में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का विनर है। वैसे तो बोथ द नेम्स आर इम्पॉर्टेंट, आदित्य मेहता इज़ फ्रॉम मैन एंड विद्या पिल्लई इज़ फ्रॉम द वुमेन साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स इज विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सोफिया कैनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज शी हैज़ बीन द यंगेस्ट प्लेयर नाउ टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अर्लियर मारिया सारापोवा जो है, मारिया सारापोवा यूज टू बी द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी जो ये आंसर होंगे सोफिया कैनिन, जिन्होंने इस साल का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद शी इज़ द यंगेस्ट लेडी टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। मारिया सारापोवा ने ये टाइटल को जीता हुआ था या फिर इस किताब को जीता हुआ था 2008 के टाइम पे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स इज ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ नेशनल गेम्स 2020। नेशनल गेम्स जो है आपके पास इसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो आपके पास है, ऑफिशियल प्रतिध्वनि होता है जो आपका इस साल को होने वाला है गोवा पे, जिसका आंसर रहेंगे रूबीकुला। रूबीकुला क्या होता है, एक तरह का चिड़िया है, बुलबुल है, तो उनको रेस्पेक्ट में रख के इस बार नेशनल गेम्स 2020 में गोवा क्या कर रहे हैं, उसको ऑफिशियल मैस्कट का सिंबल दिया हुआ है। इस नेशनल गेम्स में आपके पास 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करने वाला है, और ये नेशनल गेम्स जो होंगे ये 36th एडिशन होंगे, जो फिलहाल थोड़े महीने के बाद शुरू होने वाला है, फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 4th ऑफ नवंबर। आपको साइड बाई साइड ये चीज़ भी जान लेना चाहिए कि हमारा नेशनल गेम्स जो 33rd था, ये 33rd नेशनल गेम्स का वेन्यू असम पे था, ठीक है, जिसका ऑफिशियल मैस्कट हुआ करता था रोंगमोन, एक बेबी राइनो। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिफेंस साइड, जो आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा होगा। डिफेंस साइड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपब्लिक डे का जो पैरेड हो गया था उसमें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनजेंट कौन है, मतलब आपने देखे होंगे मार्च पास चलता है उसमें, तो उस मार्चिंग कॉन्टिनजेंट में एक्चुअली सबसे बेहतरीन मार्चिंग कॉन्टिनजेंट कौन है रिपब्लिक डे पैरेड 2020 का। तो दिस वॉज गिवन टू बी टू CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और आपको तीनों सर्विस जो हमारे पास डिफेंस का होता है, दैट इज़ फ्रॉम एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इनमें से इंडियन एयरफोर्स वॉज एडजस्ट टू बी द बेस्ट सर्विस आउट ऑफ द थ्री। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनजेंट फ्रॉम द रिपब्लिक डे पैरेड 2020 जो था आपके पास CISF था। कोई मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि इस साल का रिपब्लिक डे पैरेड का हमारे पास चीफ गेस्ट का नाम क्या हुआ था। ठीक है, तो चीफ गेस्ट का नाम आपको पूछा जा रहा है रिपब्लिक डे पैरेड 2020 का। तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस में ये है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 83 तेजस फाइटर्स बनाने का एग्रीमेंट सौंपा गया है, दैट विल बी सप्लाई टू द IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो 83 तेजस फाइटर्स हमारे IAF को सप्लाई करने वाले हैं HAL, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डिफेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस इज दैट नेम द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है, हुआ था रिसेंटली एक्चुअली फरवरी के महीने पे, तो उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो उसका नाम है मातला अभियान। ठीक है, मातला अभियान इसलिए नाम रखा हुआ है क्योंकि ये नेवल एक्सरसाइज जो है मातला रिवर पे हुआ था जो बांग्लादेश पे है, तो इसलिए इस अभियान का नाम भी है मातला अभियान। ये एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस साइड, लेकिन फरवरी के महीने में आपके पास ज़्यादा एक्सरसाइजेस था नहीं, तो आपको बस डिस्कस पे यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया बांग्लादेश के बीच में नेवल एक्सरसाइज का नाम, तो दिस इज मातला अभियान। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस इज दैट आपसे वेन्यू पूछा जा रहा है 11th एडिशन डिफ एक्सपो का। डिफ एक्सपो क्या होता है, डिफेंस एक्सपो होता है, ये हर साल में होता है। इस साल का जो एडिशन था ये 11th एडिशन था, जिसका वेन्यू रहेंगे आपके पास लखनऊ, जिसका आपके पास इनॉग्रेशन क्या हुआ था, आपके पास डिफेंस मिनिस्टर हमारे फिलहाल राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, दैट विल बी फ्रॉम पर्सन इन न्यूज़। सॉरी, डिफेंस का क्वेश्चन और है हमारे पास। डिफेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट इज डेवलप्ड बाय। हमारे दुनिया में सबसे
पहले बार बुलेट प्रूफ हेलमेट का दिखाई या फिर नियोग हुआ है, और ये कोई दूसरा नहीं, हमारे ही जाबाज एक सिपाही मेजर अनूप मिश्रा ने बनाया है, जिसका वो दावा है कि AK-47 का बुलेट भी वो हेलमेट 10 मीटर के दूर से वो रोक पाएगा या फिर रोक सकेगा। ठीक है, मेजर अनूप मिश्रा जो फिलहाल है ये आपके पास MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का ही एक फैकल्टी है जो वहाँ पर डिफेंस ट्रेनीज को ट्रेन करता है। तो लेट अस गो फॉर क्वेश्चंस ऑफ पर्सन्स इन न्यूज़। पर्सन्स इन न्यूज़ में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा CEO है हार्ली डेविडसन का जिन्होंने रिसेंटली फेब्रुअरी 2020 पे अपना रिटायरमेंट घोषित किया है या फिर वो आगे और काम नहीं करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो दिस इज मैट लेवेटिस। तो ये वर्ल्ड के करंट अफेयर्स से आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि CEO हार्ली डेविडसन का कौन है जिन्होंने रिसेंटली ही रिटायरमेंट लिया है आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो दैट इज मैट लेवेटिस। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन्स इन न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द आयरलैंड PM हु रिजाइंड। आयरलैंड का रिसेंट में ही PM ने रिजाइन करा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आयरलैंड का PM का नाम क्या है जिन्होंने रिसेंटली ही रिजाइन किया हुआ है। तो द आंसर इज लियो वराडकर। लियो वराडकर ने रिसेंटली ही अपना रिजिग्नेशन सौंप दिया था। उसका कुछ अननोन रीजंस हैं जो आपको वैसे ही नेट पर मिल जाएंगे या फिर मैं बताना नहीं चाहूँगा, ऐसा कुछ कारण है। तो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन सौंप दिया है आपके पास प्रेसिडेंट माइकल हिगिंस को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट माइकल हिगिंस ने उनका जो रिजिग्नेशन है वो भी शामिल कर लिया है, और लियो वराडकर इज नो लॉन्गर अ PM फ्रॉम आयरलैंड। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन्स इन न्यूज़। पर्सन्स इन न्यूज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमारा केजरीवाल भाई साहब जो है ये तीसरी बार के लिए CM बने हैं दिल्ली का। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि केजरीवाल भाई साहब ने इस साल का के अंदर जब जीता हुआ था तो उन्होंने शपथ ग्रहण कौन सा दिन पे लिया हुआ था। तो ये फरवरी के महीने के अंदर ही 16th February 2020 में, जब आपने देखे होंगे कि हमारे दिल्ली इलेक्शंस जो था इसमें 70 सीट्स होते हैं, इस 70 सीट्स में 62 सीट्स वेर ओन बाय आप, बहुत ही हैवी मार्जिन से जीता है, और बीजेपी को बस मिला है 8 सीट, और कांग्रेस हैव नेवर ओन अ सीट फ्रॉम द लास्ट टू इलेक्शंस। तो आपको पता होंगे आप जीतने के बाद आपका CM जो है केजरीवाल है जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया हुआ था 16 February 2020, जो फिर से पड़ता है आपके पास करंट अफेयर्स फरवरी के महीने के अंदर। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन्स इन न्यूज़ के अंदर ये है कि अभी रिसेंटली ही एक्चुअली फरवरी के महीने में सबसे छोटी लड़की जिन्होंने माउंट अकनगोवा समिट को एक्चुअली उन्होंने क्लेम करा है कि उन्होंने उसको पूरा का पूरा क्लाइम किया है। तो सी इज काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो है सी इज फ्रॉम इंडिया, एंड उन्होंने माउंट अकनगोवा को एक्चुअली क्या करा है, क्लाइम करा है। माउंट अकनगोवा जो है ये एशिया के बाहर सबसे बड़ा आपके पास पीक है, या फिर साउथ अमेरिका का सबसे टॉप मोस्ट पीक है ये, जिसका हाइट है 6962 meters। ठीक है, और आपको पता होगा शायद माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8848 meters। तो हमारे एशिया के बाहर सबसे बिगेस्ट फिर सबसे हाइस्ट टॉप या फिर पीक है जो कि है माउंट अकनगोवा, जो कि है आपके पास साउथ अमेरिका में, और उसी को क्लाइम किया हमारी भारतीय एक छोटी सी लड़की काम्या कार्तिकेय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसार भारती की कौन सी चेयरमैन ने रिसेंटली ही रिजाइन दिया है फरवरी के महीने 2020 को। तो द आंसर इज सिंपल सा एक आंसर है, दिस ए सूर्य प्रकाश। ए सूर्य प्रकाश जो है ये प्रसार भारती की बोर्ड से रिजिग्नेशन दिया है। ही यूज टू बी अ चेयरमैन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट जिसने रिजाइन किया रिसेंटली। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट जो है सी इज पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। तो उन्होंने रिसेंटली ही रिजिग्नेशन दिया है, एंड सी इज नो लॉन्गर अ वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट नाउ। सी हैव गिवन द रिजिग्नेशन बिकॉज सी वॉन्ट्स टू टीच इन येल यूनिवर्सिटी। तो उनका ये रिजिग्नेशन इसलिए माना जा रहा है कि वो टीचिंग के फील्ड पर जाना चाहती है, और उन्होंने ये बड़ा सा एक पद को उन्हें रिजिग्नेशन देने के बाद वो चली गई है येल यूनिवर्सिटी की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जिसने रिजाइन किया है, तो उसका नाम पूछे तो आंसर रहेंगे पिनेलोपी कजिनो गोल्डबर्ग। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास पूछे जा रहे इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र के वुमेन कमीशन के चीफ जिन्होंने फिर से रिजाइन दिया है। फिर से इसलिए बोलो कि इसने पहले भी एक बार रिजाइन दिया हुआ था, अभी हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार दोबारा रिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो आंसर इज विजया राहतकर। विजया राहतकर मैम जी ने फिर से रिजिग्नेशन दे दिया है कि महाराष्ट्र वुमेन चीफ कमीशन वो नहीं रहना चाहती है, एंड कुछ पर्सनल इश्यूज है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं कराया किसी भी न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर्स में। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला डीफ पर्सन, पहला बहरा आदमी जिन्होंने आपका अटलांटिक ओशन को क्रॉस करा है। इट इज़ अ वेरी बिग
मतलब अचीवमेंट, एटलांटिक ओशन का एक पार से उस पार तक जाने के लिए उनको लगा है 3000 माइल, जो उन्होंने कवर करा है 49 डेज पे, और वो कोई दूसरा नहीं एम ओ ब्राइन है। ठीक है, तो एम ओ ब्राइन जो है उन्होंने रिसेंटली ही एटलांटिक ओशन को क्रॉस करा है इन 49 डेज ऑफ 3000 माइल्स। ठीक है, एंड ही इज़ द फर्स्ट डेफ पर्सन टू क्रॉस दिस बिग ओशन। तो लेट्स गो विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन इन न्यूज इज दैट कि द चेयरमैन ऑफ केयर रेटिंग्स हु रिजाइंड एज ऑफ फेब्रुअरी 2020। केयर क्या होता है? केयर होता है एक्चुअली क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो भी आपके पास स्टॉक मार्केट होता है उसमें हम लोग जो पैसा वगैरह नियोग करते हैं, तो उसके लिए कंपनीज को रेटिंग करना ये एक चीज़ होता है। तो कंपनीज को रेटिंग करने के लिए आपके पास दूसरे अलग अलग पैरामीटर्स पे रेट होता है, और ये रेटिंग करने का एजेंसी होता है केयर, जो हमारे भारत में 1992 पे एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये केयर का चेयरमैन जो है रिसेंटली उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। दिस इज एस बी माइनिक। ठीक है, एस बी माइनिक ने आपके पास रिसेंटली रिजिग्नेशन दे दिया है एंड ही इज नो लॉन्गर अ केयर रेटिंग्स के चेयरमैन, वो नहीं रहे अभी। नेक्स्ट फ्रॉम द पर्सन इन न्यूज इज दैट आपसे ये पूछा जा रहा है कि द वुमेन हु हैव स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम एट द स्पेस ऑफ 328 डेज। आपको इसमें 328 के बाद डेज नहीं दिख रहा है, तो उसमें डेज भी ऐड कर लीजिएगा। द वुमेन हु हैव स्पेंडेड द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइम इन स्पेस इज दैट क्रिस्टियाना कोच। ठीक है, क्रिस्टियाना कोच जो है ये नासा में काम करती थी एंड उन्होंने ही ये कृतित्व हासिल करा है, और 11 महीने से आपके पास वो स्पेस पे ही थी, एंड क्रिस्टियाना कोच इज द आंसर। अर्लियर ये रिकॉर्ड जो था ये पैगी विटसन के नाम पे ये रिकॉर्ड था, पैगी विटसन ने स्पेस पे रहा है 289 डेज के लिए, और अभी क्रिस्टियाना कोच इज़ द विनर एंड 328 डेज के लिए वो स्पेस पे रह के आई है, जो कि आपके पास 11 महीने के आसपास होता है। देन लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन इन न्यूज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहला भारतीय जिन्होंने 50 मिलियन फॉलोअर्स का क्रॉस करा हुआ है इन अ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट, दिस इज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन फॉलोअर्स होने वाला पहला भारतीय जो है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, ही इज़ विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने रिसेंटली ही फेब्रुअरी के महीने में 50 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस करा हुआ है इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस एंड टेक। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2020 का पहला सेटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च करा हुआ है फ्रॉम SDSC, SDSC का फुल फॉर्म होता है आपके पास सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर से रिसेंटली ही हमारे इसरो ने लॉन्च करा है GSAT-1 सेटेलाइट। ठीक है, जियो इमेजिंग सेटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है, जियो इमेजिंग सेटेलाइट। तो जियो इमेजिंग सेटेलाइट 1 जो है इसरो ने रिसेंटली ही लॉन्च करा है अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और साथ बेसर आपको नोट पे दिख रहा होगा इसरो इस साल को 10 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो कि आपके पास GSAT-1 जो है ये हमारे भारत का इस साल का पहला सैटेलाइट रहा है। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक में ये है, आप लोगों ने सबने कोरोना वायरस के बारे में सुने होंगे। कोरोना की तरह ही एक डेंजरस या फिर एक मिस्टीरियस वायरस जो है यारा वायरस। क्वेश्चन में ये है कि यारा वायरस पहले बार किस कंट्री से दिखा या फिर किस कंट्री में पहले बार फाइंड किया गया है। कोरोना के बारे में पूछे तो सबको पता है आंसर, आंसर इज चाइना, और अगर यारा वायरस के बारे में पूछे तो आंसर इज ब्राज़ील। ठीक है, तो यारा वायरस इज फर्स्ट फाउंड एट अ प्लेस या फिर एट अ कंट्री, ब्राज़ील। तो अगर साइंस एंड टेक के बारे में हो गए होंगे तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पहला क्वेश्चन ये है, द फिल्म पर्सन हु रिसेंटली होल्ड द रिकॉर्ड एट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एडिटिंग 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो फिल्म के साइड से क्वेश्चन है कि 17 दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में उन्होंने एडिशन दिया है फिल्मों में, तो उस बंदे का नाम क्या है जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया है फेब्रुअरी 2020 में। तो ही इज़ अ साउथ इंडियन जिनका नाम है श्रीकार प्रसाद। ठीक है, तो श्रीकार प्रसाद होल्ड्स द मैक्सिमम रिकॉर्ड फॉर एडिशन इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। आपको बस नाम ही पता होना चाहिए, नाम है आपके पास श्रीकार प्रसाद। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट असेंबली ने रिसेंटली डिसाइड करा है कि वो लोग बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी देंगे, डेट विल स्टार्ट फ्रॉम 2020। ठीक है, तो बेस्ट एमएलए अवार्ड जो है अभी रिसेंटली ही डिसाइड किया गया है गुजरात स्टेट असेंबली की तरफ से। ठीक है, उनका स्पीकर ने रिसेंटली ही बोला है कि जो भी बेस्ट एमएलए का अवार्ड जीतेंगे वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएंगे बेस्ट एमपी के लिए भी। ठीक है, तो एमपी के लिए भी वो नॉमिनेट होने वाले, तो बहुत ही बड़ा एक चीज़ है।
अगर वो जीतता है तो कहीं ना कहीं वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, शायद उनके स्टेट से ही वो खेलने का मौका मिलेंगे, या फिर कुछ जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं प्योरली हुआ है। तो आपको बस जानना ये है कि बेस्ट एमएलए का अवार्ड 2020 किसको जाने वाला है। इट हैज़ बिन गिवन बाय द गुजरात असेंबली की तरफ से ये होने वाला है। जो आपको साल के एंड में मैं ये भी बता दूंगा कि बेस्ट एमएलए का अवार्ड किसने जीता है गुजरात स्टेट असेंबली की तरफ से। नेक्स्ट आपसे भी पूछा जा रहा है कि एससीआरबी का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है। एससीआरबी जो होता है एक तरह का आपके पास साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, या फिर डॉक्टर को मिलता है ये अवार्ड, ठीक है, डॉक्टर को मिलता है ये अवार्ड। और ये डॉक्टर या सॉरी डॉक्टर ही नहीं, मतलब किसी भी फील्ड में ये मिल सकती है, लेकिन वुमेन के रेस्पेक्ट में ये अवार्ड होता है, ठीक है। तो इस साल में जो है ये अवार्ड मिला हुआ है डॉक्टर नीति कुमार को, ठीक है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है 28 फरवरी के दिन पर, जो नेशनल साइंस डे भी होता है, ठीक है। तो इसी दिन पे डॉक्टर नीति कुमार को एससीआरबी वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। दैट अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉरियस बेस्ट अवार्ड। लॉरियस बेस्ट अवार्ड जो है आपके पास इस साल को दिया गया था स्टीव वॉ के द्वारा, और किसको मिला हुआ है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। ये एक अवार्ड होता है जो एक मोमेंट प्रिजर्व करता है 20 साल के अंदर, जो 2000 से 2020 तक सबसे बेस्ट मोमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट उसको दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने जो हाथ में ट्रॉफी लिया हुआ था वर्ल्ड कप 2011 के टाइम पे, दैट पिक्चर हैज़ ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ एंड कमेंट्स। तो इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है लॉरियस बेस्ट मोमेंट अवार्ड, जो प्रेजेंट किया गया हुआ था फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम स्टीव वॉ की तरफ से। नेक्स्ट आपके पास फिल्म फेयर अवार्ड 2020, जो कि वेन्यू आपके पास गुवाहाटी में हुआ था ये असम पे। तो इसके कुछ क्वेश्चन ये है कि बेस्ट फिल्म किसको मिला हुआ है। बेस्ट फिल्म इज़ गली बॉय। बेस्ट एक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस रणवीर सिंह फॉर एक्टिंग इन गली बॉय। बेस्ट एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट फॉर एक्टिंग इन गली बॉय। एंड बेस्ट डायरेक्टर इज जोया अख्तर, जिन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था फिल्म गली बॉय। तो अनडाउटली हर चीज़ ही गली बॉय ही है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको भी अच्छी तरह से एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डैन डेविड प्राइस 2020। डैन डेविड प्राइस जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन हु वर्क्स इन डिफरेंट फील्ड्स उनको दिया जाता है। तो गीता सेन जो है ये इस साल का विनर रहेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार एक भारतीय को मिला है ये अवार्ड डैन डेविड प्राइस। डैन डेविड प्राइस बेसिकली गोज टू अ वुमेन हु वर्क्स फॉर वुमेन एंड कुछ सोशल इशूज़ के रेस्पेक्ट में, जेंडर इक्वेलिटी के रेस्पेक्ट में, बायसनेस ना हो इसके रेस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में, या फिर जेंडर इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस साल का जो विनर है डेट इज़ गीता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज दैट प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड 2020। प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने हमारे भारत के लिए ही सर्विस दिया हुआ था पूरा अपना जीवन, और उन्होंने रिसेंट में ही रिटायरमेंट या फिर रिसेंट में ही वो हमारे भारत से जुड़ना बंद हो गया है। तो इस साल का जो विनर है दिस इज़ INS शिवाजी, एक नेवल शिप को दिया गया है। जो ये अवार्ड प्रेजेंट करता है ये रामनाथ कोविंद करता है, और इन्होंने रिसेंटली फेब्रुअरी पे INS शिवाजी नेवल शिप को ही दिया था प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, ठीक है। गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी उनको दिया जाता है जो डॉक्टर लेप्रोसी बीमारी को एलिमिनेट करने पर काम करता है। तो दिस ईयर द अवार्ड गोज टू डॉक्टर NS थर्माशक्तु, ठीक है। तो थर्माशक्तु सर को मिला है गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर लेप्रोसी। आपको ये भी साइड बाई साइड जानना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ लेप्रोसी जो है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का देहांत हुआ था नथुराम गोडसे के हाथ से, ठीक है। तो नथुराम गोडसे के हाथ से डेथ होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा संकट में भी हो गया था इंडिया। तो इसलिए एक बीमारी के साथ आपके पास नामकरण होता है गांधी का डेथ का। दिस इज इंटरनेशनल लेप्रोसी डे दैट इज सेलिब्रेट ऑन 30 जनवरी। और गांधी का जो बर्थ है उस बर्थ पे भी सेलिब्रेशन होता है, उस बर्थ को बोलते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑन 2 अक्टूबर, 30 जनवरी इज सेड टू बी एज लेप्रोसी डे, ओके। तो इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी पर डॉक्टर NS थर्माशक्तु को गया है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये कि पैन गौरी लंकेश अवार्ड 2020 का विनर कौन है। पैन गौरी लंकेश अवार्ड ये हर साल पे दिया जाता है। ये हर साल पे उस जर्नलिस्ट को मिलता है जो जर्नलिस्ट बेफिक्र होकर बेनिदर होकर काम करता है। तो इस साल में एक कश्मीरी रिपोर्टर को मिला हुआ है यूसुफ जमील पैन गौरी लंकेश अवार्ड। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की तरफ से
कोच ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी एसोसिएशन के तरफ से आपके पास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कोच हैज़ बीन गिवन टू एन इंडियन अगेन, और वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज पुलेला गोपीचंद। ठीक है, तो पुलेला गोपीचंद को मिला है इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019, जो रिसेंटली ही इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी की तरफ से दिया गया है। तो एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको कुछ क्वेश्चन मैं एपीएससी की तरफ से भी बताऊंगा, तो कुछ क्वेश्चन फ्रॉम एपीएससी की साइड से ये है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक फीमेल के रेस्पेक्ट में या फिर एक प्रेग्नेंट महिला के रेस्पेक्ट में एक अवार्ड होता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक योजना होता है एक्चुअली प्रेग्नेंट महिला के रेस्पेक्ट में, या फिर अपकमिंग बेबीज के रेस्पेक्ट में, या फिर नई नए बच्चा जिस लेडी ने दिया है उसके रेस्पेक्ट में एक्चुअली। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है हमारे असम के एक डिस्ट्रिक्ट साउथ सलमरा मानकाचार को मिला है, जो कि प्रेजेंट किया गया था स्मृति ईरानी मैम की तरफ से। ठीक है, एंड स्मृति ईरानी मैम जो है यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने ही प्रेजेंट किया था आपके पास बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड इन इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2020 की एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल विनर कौन है? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, 2020 की एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप सिल्वर का मेडल किसने कैरी करा है? तो ये फिर से हमारे असम का एक लड़का, दिस इज सिद्धांत गोगोई। ये जो चैंपियनशिप हुआ था तस्केंट उज्बेकिस्तान में हुआ था, तस्केंट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, और हमारे असम का ही एक प्लेयर सिद्धांत गोगोई ने इस टैली रैंक में सेकंड आया हुआ था, जो कि है एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एपीएससी इज दैट कि जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विनर का नाम या फिर विच स्टेट का नाम है मिजोरम। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एपीएससी, जो आपको शायद आने वाले टाइम पे दिखने को मिल जाए। ठीक है गाइज, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज में आपके पास ये है कि असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस साइट के साथ या फिर किस ई कंपनी के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सो डैट लोकल हैंडीक्राफ्ट कैन ऑल्सो सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन दैट साइट। तो असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है अपना ई कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ। तो रिसेंट में आपको ये भी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ सो दैट लोकल हैंडीक्राफ्ट कैन ऑल्सो गिव देयर प्रोडक्ट्स एंड सेल एट अ पर्टिकुलर साइट डेट इज कॉल्ड एज फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट और असम गवर्नमेंट के बीच में आपके पास MOU इसी फेब्रुअरी महीने पे साइन हुआ था। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, एंड इस चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी आप आ सकते हो, दिस इज स्मार्टवे डायनामिक क्लासेस। और इफ़ इनकेस कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो आप उसमें भी अपना मैसेज वगैरह दे सकते हो, और स्मार्टवे गुवाहाटी के आपके नंबर्स या फिर ऑफिशियल चैनल्स वगैरह पे आप हर रोज ही वेलकम हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप कमिंग टू द चैनल। बाय बाय।